आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा के थाना एतमादौला अंतर्गत सुशील नगर में दिन दहाड़े बीच सड़क पर युवक और युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला के ससुर, देवर और पति ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दोहरे मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सुशील नगर में दोपहर करीब 1 बजे शिवम अपने दूर के रिश्तेदार मदन के घर गया था। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शिवम के मदन की बहू पूजा के साथ संबंध थे। पूजा के घर वालों ने दोनों को आपत्तिजनक कर हालात में पकड़ लिया। इसके बाद शिवम ने भागने का प्रयास किया। इस पर मदन और उसके बेटों के साथ मिलकर शिवम के सिर पर प्रहार किया। इसके बाद तीनों ने मिलकर बीच सड़क पर शिवम का फरसे से गला रेत दिया। उसके शरीर पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। इसके बाद उन्होंने अपनी बहू को भी घर से बाहर लाकर बीच सड़क पर काट डाला। जिस समय तीनों आरोपी इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे, उस समय लोग अपने घरों से बाहर खड़े थे। लोग तमाशा देख रहे, लेकिन किसी ने दोनों को बचाने की कोशिश नहीं की। बताया गया कि मदन आपराधिक प्रवृत्ति का है, ऐसे में उसका खौफ है, डर के चलते किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ा है। मौके से आला कत्ल और 2 डंडे भी बरामद किए गए हैं। ये क्या है मामला पूरा? ये थाना एतमादौला का सुशील नगर है, जहां पर हम लोग खड़े हैं। यहां पर एक शादीशुदा युवती, जो युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे, और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है, उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरविर पे मारे थे, वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है, ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था, और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवति से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था, और उसी कारण ये मर्डर किया गया। सर, क्या कि दोनों जब ये हत्या हुई तो ये घर में मिले थे दोनों? जो जैसा कि हत्या के बाद का सीन है, उसमें निश्चित रूप से ये है कि जो युवति का घर था, ससुराल थी, उसके अंदर दोनों की हत्या की गई है। तो युवक इनके घर में आया था, और वहीं पर जो इसे ससुराल वाले हैं, उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगा, और उनके द्वारा इनके दोनों का मर्डर किया गया। हत्या को कारित करने वाले को गिरफ्तार किया गया? हत्या के जो कारित करने वाले तीनों लोग हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, आला कत्ल बरामद किया गया। पूछताछ की जा रही है और बाकी वैधानिक कार्रवाई बाद में की जाएगी। वहीं मृतक की मां शीला का आरोप है कि शिवम को मदन ने फोन कर बुलाया था। वो घर पर कहकर आया था कि मौसा के घर जा रहा हूँ। इसके थोड़ी देर बाद ही उसके पास फोन आया कि शिवम की लड़ाई हो गई है, जिसके बाद वह घटना स्थल पर पहुंची और उसका बेटा वहाँ मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बड़ों वालों बेटा शिवम, वो माल लेने का जगह, माल लेके आओ है, इनकी पता है जाने का के तो यहाँ से फोन करो है, कैसे का है जाने का के तो फोन करो, तुरंत माल रख के घर पे आए के नहीं मोते करो, मेरी बेटा कहाँ जा रहा है, तो मोर मौसा बुला रही है पीछे। फोन किसने किया था? अब जी वो माल बनाने, अब इसे बहने करो है, बेटा ने करो है, बाप ने करो है, कहू और कहते करवाओ है। तो बुलाया इसको? बुलाया है इसको, बुला के तुरंत ही आया है। जहाँ पे एक को फोन करो लड़का को, कैसे वो मुखी लड़ाई है गई है, अब काट के डाल दो, वो वहाँ पे काटोगा जी, यहाँ पे काटे इनको दोनों। कितने की घटना है? मोबाइल में होगा बेटा, मोबाइल बाबा छोटे तो ये पकड़े गए लोग, बेटा भाग गए, बेटा के सीधे भाग गए। कोई पुरानी दुश्मनी? कोई पुरानी दुश्मनी है? दुश्मनी है, पुरानी रंजिश चल रही है, यही चांदी के काम के ही ऊपर आई पुरानी है, ये 2-4 रिश्ते लेके आ रही है। चांदी का काम करते थे? चांदी को जेवी करते, चांदी को हम करते हैं, ये रिश्ता लेके आ रही है। तो जाने सिखाई क्या हम यहाँ की पर काट वे के का रिश्ता लेके आ रहे हैं, लेकिन ये हम बर्बाद कर देंगे। और दो लोग लास्ट को यहाँ पे गए, दो और हुए। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे हत्याकांड के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एडीजी राजीव कृष्णा, पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह और अन्य आला पुलिस के अधिकारी भी पहुंच गए। मौके पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। फिलहाल तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।